opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to Crick Buzz's YouTube channel and press that bell icon now. इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 श्रृंखला में काफ़ी सारी एक्साइटमेंट वाली चीज़ें हैं, पर मेरे लिए जो सबसे एक्साइटमेंट वाली चीज़ रहेगी वो रहेगी भारतीय तेज गेंदबाजी कि भुवनेश्वर कुमार वापस लय में दिखे हैं, हर्षल पटेल जिन्होंने पिछले एक डेढ़ साल से बहुत अच्छा किया है, पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो तीसरे गेंदबाज होंगे वो कौन होंगे, क्या वो उमरान मलिक होंगे, क्या वो हरदीप सिंह होंगे, आवेश खान होंगे। इस समय काफ़ी सारी चॉइसेज हैं, पर देखने वाली बात रहेगी कि भारतीय टीम किसके साथ शुरुआत करती है, किसी के साथ भी शुरुआत करें। अगर उमरान मलिक को शुरू में खेलने को मौका ना मिले तो मैं उनको जरूर इस श्रृंखला में देखना चाहूँगा, चाहे आप शुरुआत करें हरदीप के साथ या आवेश खान के साथ। पर उमरान मलिक जिस तरीके की उन्होंने गेंदबाजी करी आईपीएल में, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट मैं कहूँगा वाले तेज़ गेंदबाज हैं। उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्या उन्हें पहले 6 ओवर में कराई जाती है गेंदबाजी या बाहर कराई जाती है, जब मर्जी कराएं, पर उनको देख उन पर निगाहें जरूर रहेंगी। दोनों ही टीम्स में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग खिलाड़ी हैं और सब पर निगाहें रहेंगी, पर मेरी निगाहें जिन दो खिलाड़ियों पर रहेंगी मैं कहूँगा, एक सबसे पहले केएल राहुल की चोट के चलते ऋतुराज गायकवाड़ को लगभग मौका मिलना तय है कि उनको पिछले कुछ समय से उस तरीके के मौके नहीं मिले जिस तरीके की अपेक्षा कोई भी खिलाड़ी रखता है। तो अगर उन्हें एक कंसिस्टेंट रन मिलेगा तो मैं देखना चाहूँगा वो किस तरीके का प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि कमाल के बल्लेबाज रहे हैं चेन्नई सुपर किंग के लिए, और एक वो कहते हैं कि गुड हेड ऑन हिज शोल्डर, उस तरीके के खिलाड़ी देखते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वो एक अच्छा प्रदर्शन करें। और साउथ अफ्रीका की टीम पे भी अगर आप निगाहें करें, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग खिलाड़ी, मैन इन फॉर्म डेविड मिलर, क्विंटन डिकॉक, कंगिसो रबाडा, ये सब एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, पर एक खिलाड़ी मैं कहूँगा जिस पर मेरी नज़र रहेगी, जिन्होंने पिछले कुछ साल में टेस्ट क्रिकेट में उतना प्रभाव नहीं छोड़ा, हालांकि वो टेस्ट क्रिकेट के भी बड़े अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं, जाने जाते हैं, साउथ अफ्रीका ने काफ़ी उनको मौके भी दिए, पर उस उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। पर सनराइज़र हैदराबाद के लिए उन्होंने T20 में अच्छा किया है, पहले पंजाब के लिए भी अच्छा किया है एडन माकरम, भारतीय गेंदबाजों को उनसे सतर्क रहने की जरूर आवश्यकता है क्योंकि उनके पास दमखम है कि वो बड़े स्ट्रोक लगा सकते हैं। हार्दिक पांड्या एक ऐसा नाम जिसकी हर समय चर्चा होती है कि क्या वो गेंदबाजी करेंगे नहीं करेंगे। देखिए मेरी सोच तो पहले भी यही थी कि हार्दिक पांड्या इस तरीके के खिलाड़ी हैं कि बतौर बल्लेबाज भी वो किसी भी टीम में फिट होते हैं और किसी भी फॉर्मेट में, यहाँ तक कि मैं कहूँगा टेस्ट मैचेज में भी जिस तरीके की वो बल्लेबाजी करते हैं, पर यहाँ हम T20 की बात करें, जी हाँ अगर वो गेंदबाजी करते हैं तो किसी भी टीम के लिए और फायदा होगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। और भारतीय टीम की जिस तरीके की बनावट है, यहाँ पर भारतीय टीम को बहुत ज़्यादा उनकी और निगाहें रखनी पड़ती हैं क्योंकि जो ऊपर के बल्लेबाज हैं उनमें कोई गेंदबाजी करता नहीं, तो कभी कभार देखा गया कि हार्दिक पांडे आपके 5वें गेंदबाज हैं तो इसलिए उनके ऊपर भी दबाव डाला जाता है गेंदबाजी का। पर मैं कहूँगा कि उनके ऊपर जी हाँ, अगर वो फिट हैं तो गेंदबाजी करना बहुत पसंद करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर उनके ऊपर हर समय वो 4 ओवर का प्रेशर ना ही हो तो बेहतर है, और उसके लिए आपको 5 पूरे गेंदबाज खिलाने होंगे, हार्दिक पांडे 6ठे। जी हाँ, इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हार्दिक पांड्या 5वें गेंदबाज नहीं हो सकते, जिस तरीके की गुण और क्षमता उनकी है वो आपके दूसरे तीसरे गेंदबाज भी हो सकते हैं, पर एज एन ऑलराउंडर, और अभी आए हैं चोट के बाद, काफ़ी लंबी आईपीएल रही है और इतना जोर लगा है आईपीएल में, कमाल का प्रदर्शन किया है, उसके बाद जी हाँ अगर वो डाल सकते हैं 4 ओवर ग्रेट, पर धीरे धीरे अगर बिल्डअप करेंगे तो बेहतर है, पर उसके लिए भारतीय टीम को अपनी 11 पर जरूर निगाहें रखनी होगी।